हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फी। नारियल की बर्फी बहुत ही इजी है और जन्माष्टमी पर नारियल की बर्फी हम घर पर बनाएंगे तो बहुत ही आराम से और अच्छे से बन जाएगी। तो जो सामान है वो मैं आपको बताती हूँ। एक कटोरी लिया है मैंने कद्दूकस किया हुआ नारियल, एक कटोरी चीनी, 4 चम्मच लिए हैं मैंने मिल्क पाउडर, 2 बड़े चम्मच लिए हैं देसी घी, 1 कप पानी और एक मैंने ट्रे ली है जिसके अंदर हम बर्फी को जमाएंगे। तो अब बनाना शुरू करते हैं नारियल की बर्फी। सबसे पहले हम चीनी डालेंगे, गैस को ऑन कर देते हैं, साथ साथ डालेंगे 1 कप पानी, चलाते हैं। अच्छे से हमें पानी और चीनी को मिक्स करना है। 5 से 6 मिनट बाद हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। गैस को हम बिल्कुल फुल रखेंगे, सिम नहीं करना है। जब तक हमारी चाशनी रेडी हो रही है तो तब तक हम अपनी ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा चाशनी हमारी बनने लगी है, चीनी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब डालेंगे 2 इलायची के बीज, मिक्स कर देंगे। चाशनी हमारा थोड़ा थोड़ा बबल आ गए हैं तो ये 2 से 3 मिनट में चाशनी हमारी रेडी हो जाएगी। 8 मिनट हो गए हैं तो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि चाशनी हमारा कितना रेडी है। अभी एक तार की चाशनी बनने में 2 मिनट और लगेंगे करीब। थोड़ा सा फिर चलाते हैं। चाशनी हमारी लगभग तैयार है। जैसे ही चाशनी तैयार होने लगती है तो ऊपर एक लेयर हमें वाइट वाइट दिखने लगती है कि चाशनी हमारी रेडी है। तो इसी स्टेज पर हम डालेंगे नारियल, अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। साथ साथ डालेंगे मिल्क पाउडर और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे देसी घी। देसी घी बिल्कुल हमें एंड में डालना है और फिर मिक्स करेंगे। 1 मिनट लास्ट और हम चलाएंगे। अब बिल्कुल हमारी बर्फी रेडी है, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बर्फी हमारी कढ़ाई छोड़ने लगी है। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे ट्रे के अंदर। चलो फ्रेंड्स फटाफट से डाल लेते हैं। ऊपर से डालेंगे थोड़ा बादाम। देखो फ्रेंड्स, बर्फी हमारी रेडी है और अब इसको 1 घंटे ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, बर्फी हमारी बिल्कुल रेडी है, अब इसको हम कट कर लेते हैं। बर्फी को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारी नारियल की बर्फी बहुत ही अच्छी बनी है। आप मेरी रेसिपी से एक बार ऐसे ही बर्फी बनाइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।